देखिए, इंग्लिश में एक वर्ड है आपका मीथिंक्स। आज हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे। मीथिंक्स का मतलब होता है इट सीम्स टू मी, इट इज़ अनदर वे टू से आई थिंक। मतलब ये हुआ कि मीथिंक का शॉर्ट फॉर्म हुआ आई थिंक, या मतलब मैं सोचता हूँ, या मेरे ख्याल से, या ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मीथिंक्स का ये मतलब हुआ। इसके सिनोनिम्स आते हैं इट सीम्स टू मी, इट लुक्स लाइक, आई थिंक, आई फील, आई बिलीव, आई गेस, आई थिंक दैट, इन माई ओपिनियन, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, इन माई व्यू एंड एटीसी एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारे मीनिंग जो है मी थिंक आई थिंक के मतलब में आता है, मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, वहाँ पर हम इसका हिंदी में मतलब समझेंगे, फिर सेंटेंसेस में इसको यूज करके देखेंगे। वेलकम टू एजुकेयर डेस्क, आपका एजुकेयर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, मी थिंक्स को जो है हम हिंदी में बोलते हैं मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, मुझे मालूम होता है, मुझे मालूम पड़ता है, मैं ऐसा सोचता हूँ। और ठीक है, अब जब हम इसको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, तो जिससे पहला सेंटेंस होगा आपका मी थिंक्स इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव, मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है, ये एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है आपका, आप अपने सेंटेंस में इसको इस तरह से यूज करेंगे कि मी थिंक्स दैट दिस इज़ समथिंग स्पेशल फॉर माई लाइफ लॉन्ग, मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन भर के लिए कुछ खास है, स्पेशल है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने मी थिंक्स को अच्छी तरह से समझ लिया, और जनरली ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से मी थिंक बोल करके स्टार्ट करते हैं, या किसी को जवाब देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।